Nice morning to all of you. This is Sugan from NLL family and today we will do tense chart and tense table. मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है पर्टिकुलर टेंस की एंड अभी हम इसको शॉर्ट तरह से पूरे के पूरे टेंसेस को हम लर्न करेंगे एंड हम ये कोशिश करेंगे लर्न करने की और हम ये सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम पूरे के पूरे टेंसेस को सिर्फ एक वीडियो में हम लर्न कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म्स. सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस कहीं पे भी लगाए तो आपको ये लर्न करना है, ये याद रखना है कि यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात यहाँ पर हुई है. ओके, एंड जैसे इसका एग्जाम्पल है आपको एक कम्स इन वोल्केनिक एरिया. सो कम प्लस एस यानी कि कम्स वो किसके अंदर आया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा ये वाली चीज है. तो अब ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए प्योरली मीन्स डू और डस. डू और डस का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस के लिए करेंगे. ओके, एंड अगर हम ये देखना चाहेंगे जैसे कि अगर हमने डू का यूज किस चीज के साथ होता है और डस का यूज किस चीज के साथ होता है, तो डस का यूज होता है ही, शी, इट सिमिलर चीजों के साथ एंड डू का यूज किस चीज के साथ होता है, आई, वी, यू, दे, जितने भी हमारे प्लूरल चीजें हैं उन चीजों के साथ हम डू का यूज करते हैं. सो अब हम आते हैं हमारे पास्ट टेंस के ऊपर कि पास्ट के अंदर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. अगर आपको कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए इट मीन्स कि वो सिंपल पास्ट की बात हो रही है. सिंपल पास्ट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनके लिए हम हमेशा यूज करते हैं डिड. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट मीन एनी हार्म टू यू. ओके, अब हम आते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के ऊपर. ये देखो जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस है इट डजंट मैटर कि वो हमारा सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम हमेशा विल शेल का यूज करेंगे ही करेंगे. अगर आपको कहीं पे भी विल शेल गिवन है इट मीन्स क्या कि वहां पे फ्यूचर टेंस की बात हो गई कि वो फ्यूचर टेंस है विल शेल अगर आपको कहीं पे भी है. अब हमारे पास सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, तो विल शेल के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है. विल शेल सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वो सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है जिसके अंदर हम फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए वो बात करते हैं. जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, सिंपल फ्यूचर है यानी कि आई विल मीट यू टुमारो. ओके, अब हम करते हैं हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखो स्टूडेंट्स, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, ठीक है, वो किस चीज के अंदर अंदर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अब जो उसकी जो स्टार्टिंग में जो उसकी एक्टिव वर्ब होती है उससे हम ये पता करते हैं कि जो वो टेंस है वो प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट के अंदर वो कॉन्टिन्यूटी में है या फिर वो फ्यूचर में वो चीज कॉन्टिन्यू होगी. तो प्रेजेंट यानी कि इज एम आर. ओके, पास्ट यानी कि वॉज वर्ब. एंड मैंने आपको बताया जैसे जो फ्यूचर है उसके अंदर फ्यूचर तो होता ही है. अब यहाँ पे इज एम आर है, यहाँ पे वॉज वर्ब है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बी लगेगा. आप ऐसे भी कर सकते हो, बी के अंदर इज एम आर होता है, बी के अंदर वॉज वर्ब यानी यहाँ पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा इतना सा हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू आर लुकिंग नाइस टुडे, अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम क्या बोले, आप आज बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे, सो यू आर लुकिंग. ओके, अब कोई
विचर तो आएगा ही आएगा, राइट? बी आ गया, यानी इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी टाइम जो चीज कंटिन्यूटी में होगी, कल इसी टाइम जो चीज कंटिन्यूटी में होगी, वो चीज हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगी, यानी कि इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई होप आपको ये वाली जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ये आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया। अब ये देखो जो मोस्टली जो ये बच्चे लर्न कर रहे हैं इसको इस तरह से लर्न करते हैं, ठीक है, हमने एक बार प्रेजेंट कर दिया, एक बार हमने थोड़ा थोड़ा पास कर लिया, लेकिन हमें इसको इजिएस्ट वे में लर्न करना है। हमने इजिएस्ट वे में लर्न कर लिया, हमने क्या किया, पूरे पूरे कॉन्टिन्यूस टेंस को एक साथ किया। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी तरह से जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पहचान है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए परफेक्ट टेंस, जो चीज हो चुकी है दैट इज डन, उसके अंदर क्या आता है हमारा परफेक्ट टेंस। अब से नियम क्या है, हम वर्ब से ये पता करेंगे कि वो प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट के अंदर है, या वो चीज फ्यूचर के अंदर है, राइट? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज है, ही शी सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आएगा, हैज, और प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
verb first form plus ing. So verb verbal first form plus ing plus object force plus time. Yani example dekho, by the end of this month, is month ke end tak I should have been living in Delhi for 10 years. Ki mujhe Delhi pe rehte hue 10 saal ho jayenge. Abhi wo cheez hui nahi hai, lekin is month ke end tak hogi. Koi bhi cheez future ke kisi point pe hogi aur wo khatam bhi kabhi hogi. आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी. एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो मैं कह रहा जाता हूं आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन व्हाट्सएप मी एंड हैव एनी क्वेरी एंड वांट टू आस्क एनीथिंग. आई विल. Thank you very much. Have a beautiful day. Take care of yourself.